उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेला का उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अन्नदाता किसान को परंपरागत खेती में दुगनी आय हो रही है, वहीं जो किसान औषधि और अन्य खेती कर रहे हैं उन्हें तो कई गुना लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस किसान मेले में सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों और वैज्ञानिकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यहां पर 15 राज्यों के किसान आए हैं, वे भी उसे अवसर पर आए हैं जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं। ऐसे में जो भी किसान प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मदद देगी, बसों की व्यवस्था भी कराएगी। मेरा ये मानना है किसान अगर खुशहाल होगा प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूहों को आगे बढ़ाने में योगदान दे